चलिए इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है। खतौली में आरएलडी के मदन भैया 1450 वोट से आगे, बीजेपी के राजकुमारी सैनी 1450 वोट से पीछे, रामपुर सपा प्रत्याशी आसम रजा राजा 1200 वोट से आगे, बीजेपी के आकाश सक्सेना 1200 वोटों से पीछे, सपा प्रत्याशी आसम राजा ने बनाई बढ़त, रामपुर सपा प्रत्याशी आशिम राजा 1200 वोटों से आगे। बीजेपी के आकाश सक्सेना 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं, वहीं सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने जो है लगातार वो बढ़त बना रहे हैं। छठवां राउंड जो है आ गया है और छठा राउंड कंप्लीट हो चुका है, इसी के परिणाम आपको बता रहे हैं। डिंपल यादव जो है 27,862 उन्हें वोट मिले हैं, जबकि उन्हीं के विपक्ष में जो थे उन्हीं से जिनकी टक्कर थी रघुराज सिंह 10,932 वोट उनके खाते में आए हैं। 16,930 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। खतौली उपचुनाव का जो है दूसरा राउंड पूरा हो चुका है, जिसमें मदन भैया को 7,868 वोट उनके खाते में गए हैं, जबकि राजकुमारी सैनी को 3,858 वोट, मदन भैया राष्ट्रीय लोक दल से 4,030 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां खतौली में आरएलडी के मदन भैया 1450 वोटों से आगे है और लगातार जो है रुझान सामने आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के आकाश सक्सेना 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं, वहीं सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने बढ़त बनाई है और लगातार उनके खातों में बढ़त दिखाई दे रही है, लगातार वोट्स उनके खाते में जा रहे हैं। वहीं मैनपुरी की बात करें तो छठवां राउंड का परिणाम आ चुका है, जहां डिंपल यादव 27,862 वोट उनके खाते में गए हैं, तो वहीं रघुराज सिंह 10,932 वोट उनके खाते में आए हैं। अंतर अगर देखा जाए तो 16,930 वोट